An Academy. Let's crack it. मैं क्या बनूंगा ये मुझे नहीं पता था। और ये जानना तो सर खत्म, वहीं से शुरू होता है करियर। मैं फिक्स कर दिया था मैं क्या नहीं बनूंगा। मैंने डिसाइड किया था मैं टीचर छोड़ करके जो बनना है वो बनूंगा। मतलब मेरे जैसे जो आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग के लोग हैं उनको लगे कि नहीं नहीं हम जो मिस किए वो नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा कांड बताइए बेसिकली। ये जो सवाल है जो हमारे लर्नर्स के लिए है कि भाई पॉलिटी के इतने बढ़िया टीचर है अरविंद सर, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना है। नेक्स्ट पीएम क्या लग रहा है, कौन नेक्स्ट पीएम? हम ही बनेंगे यार। अरे वाह, तो कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी या पढ़ाना, इंजीनियरिंग के बाद फिर जिंदगी कैसे टर्न आउट हुई आपकी? बट कुछ सीरियस लोग थे हमारे ऑफिस में, थोड़े पढ़े लिखे थे, उनके पूछते अरे भाई ये सिटीजन चार्टर क्या है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ये अन्ना जरा एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रहे हैं, राइट टू सर्विस एक्ट क्या होता है? पता ही नहीं। 2013 में अटेंड किया, एकदम सीरियसली अटेंड किया, लेकिन तो मतलब आप कहना चाहते हैं सर कि यूपीएससी की पहली क्लास में आपको मानचित्र का इंग्लिश वर्ड ऐसे ज्ञान नहीं था? Once a William Shakespeare said, all the world's a stage and all the men and women merely players. समझने वाली बात में कहें तो जिंदगी एक रंगमंच है और यहाँ पे आने वाले सभी लोग अपने अपने किरदार निभाते हैं। एक ऐसी ईश्वर की दी हुई कहानी है जिसमें किरदार निभाते निभाते जिंदगी का अनुभव पता चलता है। और कई ऐसे किरदार होते हैं जो अपनी इस कहानी में कई नई कहानियों को गढ़ते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और जब भी उन किरदारों से मिलने का मौका मिलता है तो भाई मजा आ जाता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो अपनी कहानी में कई कहानियों को गढ़ा हुआ है, मेडिकल से इंजीनियरिंग तक, इंजीनियरिंग से सिविल सर्विस तक, और अब एज अ टीचर वो नए किरदारों को अपनी अपनी कहानियाँ लिखने में मदद करते हैं। तो सो वेलकम अरविंद सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। डर लग रहा है आपको? अब एग्जाम है तो हल्की नर्वसनेस तो होनी चाहिए, तो थोड़ी सी है लेकिन ठीक है, आज तक हमने चौके छक्के मारे तो आगे। वाह बहुत बढ़िया। तो जैसा कि इंटरव्यू में हमने बताया कि आपने मेडिकल, फिर इंजीनियरिंग, फिर सिविल सर्विसेज एंड देन एज अ टीचर, करना क्या चाहते थे सर आप? ऐसा है कि जिंदगी में जब सही लगा उस समय पर सही पेपर लेते गए। हाँ, जैसे मेरे परिवार में हमेशा ऐसे ही था कि मैं एक बड़ा बच्चा था, तो बड़ा बच्चा होने की वजह से पढ़ाई में हमेशा अच्छा था। अच्छा। तो उनको लगता था कि डॉक्टर बने। तो मेरे दादाजी, मम्मी पापा सबकी इच्छा बहुत थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और जिनके भी घर में एक पढ़ाकू बच्चा होगा उसको सबसे पहले बोलते भाई इसको तो डॉक्टर बना, डॉक्टर ही बना। और मेरे भी मन में कहीं ना कहीं आ ही गया था कि हाँ भाई डॉक्टर बनेंगे। लेकिन उसमें आगे फिर हम 11th किए, 12th किए, उस समय में CET का प्रिपरेशन भी किए। और महाराष्ट्र में क्या है कि आप दोनों जो है वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, मतलब आप मैथ्स भी चूज कर सकते हो, बायोलॉजी भी चूज कर सकते हो। तो हमारे दोनों ही थे तो मैंने दोनों की CET दे दी। लेकिन अब बायोलॉजी वाली जो CET थी, मतलब जो डॉक्टर की जो CET थी, उसमें जो है वो मेरे लगभग कुछ 3 marks कम पड़ रहे थे, जिसकी वजह से MBBS नहीं बन पाया। और फिर मुझे उसके लिए 1 साल वेट करना पड़ रहा था, और मुझे सडनली लगा यार मैं अपने दोस्तों से 1 साल पीछे हो जाऊंगा, क्या करें। तो इंजीनियरिंग के भी राउंड्स चल ही गए थे, लेकिन इंजीनियरिंग के राउंड्स पे मैंने इतना तो कोई खास ध्यान पहले दिया नहीं था, लेकिन फिर भी कैप राउंड में मैंने एडमिशन लेके रखा था। कैप राउंड में फिर वो मुझे एक PICT नाम का बहुत ही नामचीन कॉलेज है वहाँ, तो उसका भी मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, तो वो मुझे मिल गया। तो फिर वो मैंने लिया, मैंने उधर से फ़ोन किया, मैं बोला अरे भाई वो मेरी सीट जो है वो मेरे लिए बचा के रखना, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। और घर पे मैंने बताया नहीं कि मैं मेडिकल नहीं, मैं तो घर पे बता के गया कि मैं जा रहा हूँ अगले साल की, अगेन CET बोलते थे हम उसको, तो CET का प्रिपरेशन करने के लिए तो क्लास में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। और उधर मैं पहुँच गया PICT।
उधर जाके मैं बोल रहा हूँ मेरे को लेना है एडमिशन, वो बोले चेक कहाँ है, बोले चेक नहीं लाया, डॉक्यूमेंट्स आए डॉक्यूमेंट नहीं लाया, अब मैं बोला बस मैं तो मेरी सीट लेना है, फिर उन्होंने पूरी अफरा तफरी मच गई, बोले इसका एडमिशन करवाओ, ऐसा करो वैसा करो, फिर समहाउ फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, अभी तक पापा को पता नहीं, मैं बोला पापा मुझे डॉक्टर के लिए एक साल में वेट नहीं कर सकता हूँ, बनना मुझे डॉक्टर है लेकिन मैं नहीं वेट कर सकता हूँ, तो अब किसी भी हालत में जो है मुझे तो यहाँ पर एडमिशन लेना है, और वहाँ से फिर मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू हुई। तो पापा पापा को आपने कहा कि मुझे डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना, अब एकदम एंड मोमेंट पर, हाँ एकदम एंड मोमेंट पर, वो भी शॉक में है, वो मम्मी को बोल रहे हैं एक बार मम्मी से बात कर ले, मैं भी उनसे समझ जाए तो शॉक में कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसे हमारे यहाँ तो पापा ये नहीं है तो धार इधर से धार, फोन पे थे ना, अच्छा फोन पे चेक लेके आओ अभी यहाँ पे चेक मांग रहे, हाँ तो उसके बाद अगेन दिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने शुरू करी। मैंने कहा कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वापस मेडिकल की भी एग्जामिनेशन दूंगा और वापस हुआ तो डॉक्टर के लिए जाऊंगा, लेकिन ये फंसाने वाली बात थी, फंसाने वाली थोड़ा मन को ही अपने आप को भी फंसा ही, फिर पता ही था कि इंजीनियर एक बार अगर आप गए तो उसमें जो मौज मस्ती आप करते हो तो उसके बाद में तो वापस भी छा होगी। ऐसा ठीक है, ये तो मतलब पता है कि आप बहुत क्रिएटिव होते हैं इंजीनियर्स लोग, कुछ ऐसा बताइए जो बहुत मजेदार हो, लाइक कभी जैसे आप बता रहे हैं कि एक बेड पे 5 लोग सोते थे, ऐसा कोई किस्सा बताइए जिससे सुन के मतलब मेरे जैसे जो आउट ऑफ इंजीनियरिंग के लोग हैं उनको लगे कि नहीं नहीं हम जो मिस किए वो नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा कांड बताइए बेसिकली। अब कांड तो ऐसे बहुत सारे हैं मतलब कॉलेज लाइफ में, क्योंकि एक बात जो इंजीनियरिंग की अच्छी होती है और शायद से जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनकी, कि उनकी अटेंडेंस उनको एटलीस्ट मिनिमम मेंटेन करनी पड़ती है, कुछ नहीं भी करते हैं तो अटेंडेंस के चक्कर में आप लोग कॉलेज जाते हो तो आपकी बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनते रहती है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेक्चर अटेंड करने होते हैं और आप होते हो जिनको लेक्चर बंक करवाने होते हैं तो वो बंक करवाने के चक्कर में एक बार क्या हो गया, मैं बना हुआ था नेता, अच्छा सबको बंक करवा करके वहाँ पे की टीचर आ नहीं रही है, और टीचर आने के जस्ट पहले 10 मिनट के बीच में सबको गायब करवा रहा हूँ, तो उधर से गायब करवाने के चक्कर में मैं सबको पहले भेज रहा हूँ तुम जाओ जाओ निकलो निकलो निकलो, ऐसा नहीं कि आप फिर फंस गए, नहीं नहीं अच्छा आगे सुनिए तो सही तो मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ जाओ जाओ, वो सब पहुंच गए, उसके बाद में बराबर प्रिंसिपल सामने मुझे ही पकड़ के खड़ा, मैं बोल ही रहा था अभी फंस जाएंगे, उसके बाद में प्रिंसिपल बोलते हैं, बोले अभी मैं तुम्हें यहाँ से कॉलेज से निकाल रहा हूँ, तब तक कॉलेज में मत आना जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ में ना आओ। अब मैंने पापा को फोन किया तो पहले तो मैं बोला यार ठीक है क्या है, तो गुस्सा है थोड़े दिन का शांत हो जाएगा इनका, 7-8 दिन में गुस्सा शांत हो जाएगा, 7 दिन तक तो मुझे वैसे भी नहीं आएंगे, वॉचमैन को बोल दिया था इसको कॉलेज में घुसने मत देना, इसको घुसने दिया तो तेरी नौकरी गई, तो फिर मैं गुस्सा कॉलेज में बट समहाउ तो वो घुसने ही नहीं दिया, फिर पापा को लेके आए, फिर पापा बोले क्या चल रहा है मतलब मैं तुमको पढ़ने भेज रहा हूँ और तुम ये सब टाइम पास करो, यहाँ बंक क्या होता है, बोले बंक क्या होता है बताओ अपने पापा को, बंक क्या होता है बताओ अपने पापा को, और ये हुआ ही था, और उसने मैं 2-3 दिन बाद में ये किस्सा हुआ समहाउ उन्होंने समझाया फिर वो हो गया, उसके बाद में एक टीचर जो है उसके साथ में वही बातें हुई कि मैं असाइनमेंट लाया हूँ फाइल नहीं लाया, तो उनको लगा मैं फाइल भी नहीं लाया असाइनमेंट भी नहीं लाया, तो मैं उनको ऐसे बोलते 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 मैं यही तो समझा रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो, ऐसा बोला बोले तुम मुझे क्या समझ रहे हो, लगा अपने पापा को फोन, अरे यार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पापा को बार बार फोन लगा, पापा वापस होते हैं अरे भाई नहीं पढ़ना तो घर आ जाना क्यों बार बार फोन करवाता है, सही बात। तो ऐसे कुछ अलग अलग किस्से रहते थे, और इस कॉलेज ने वैसे काफी कुछ दिया भी था। बढ़िया, तो इन्हीं किस्सों की किस्सा कोई करेंगे आज हम लोग एग्जामिनी के एग्जामिनेशन में, तो ये तो रहा आपके इंजीनियरिंग का किस्सा, अभी आप एज ए पॉलिटी टीचर बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और तो कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी या पढ़ाना इंजीनियरिंग के बाद फिर जिंदगी कैसे टर्न आउट हुई आपकी? तो सर मेरी इंजीनियरिंग के बाद में जॉब तो लग गई थी क्योंकि हमारा कॉलेज था वह अच्छा था, तो वहाँ से सिमेंटिक में मैंने जॉब करना शुरू कर दिया, पैकेज भी काफ़ी अच्छा हम लोग पे कर रहे थे, कितना अच्छा ठीक बता देते हैं इसमें कोई बात नहीं है, अच्छा 8 लाख हम लोग पे कर रहे थे उस समय में एक फ्रेशर, वाह विच वॉज अ वेरी गुड पैकेज। बट मज़ेदार किस्सा ऐसे होता है कि मैं अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन पुणे में चल रहा था तो उसी आंदोलन में मैं भी चले गए एक दिन, बस टी शर्ट पहन लिया फोटो वोटो खींचा दिया फेसबुक पर हिट कर दिया, लोग बोले भाई वाह 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 तुम आगे बढ़ो हम भी तुम्हारे साथ है, वी सपोर्ट अन्ना आंदोलन वगैरह ये सब चल रहा है। बट कुछ सीरियस लोग थे हमारे ऑफिस में थोड़े पढ़े लिखे थे, मुझे पूछते अरे भाई ये सिटीजन चार्टर क्या है,
ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, ये अन्ना हजारे एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रहे हैं, राइट टू सर्विस एक्ट क्या होता है, मैं बोला अरे है वो तुमको समझ में नहीं आएगा अभी, उसके लिए बहुत एकदम मुझे टाइम चाहिए, बताऊंगा तुमको एकदम आराम से बताऊंगा, मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ा। और क्या है कि शोबाजी आप कर तो रहे हो, लेकिन शोबाज जो होता है ना उसको एक बार ये भी देखना होता है कि भाई उसका शो जो है वो कहीं बिगड़ ना जाए, तो उसके लिए फिर उसको पीछे जाके मेहनत करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है। पढ़ने लगा तो उसका पढ़ा वढ़ा तो थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में एक बार चेतन भगत का कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था स्टील की ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, और अगर आपको इंडिया में रियल चेंजेस लाने तो वहाँ से लाओ। और उतने में मेरा एक अगेन कॉलेज में थी तो उनका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया था, वो सड़क वाले सीरीज से या कोई नहीं, और नहीं, इनका नाम सुशील था। अच्छा, सुशील जो है वो अलग, मतलब मेरे क्लासमेट ही थे, क्लासमेट बेंच पे बैठते थे, बट हमारी सड़क का कोई, सड़क के मेंबर्स में से किसी को इंटरेस्ट नहीं करने लगा था, वो बाद में आया। अच्छा अच्छा, तो सुशील का जब सिलेक्शन हो गया आईपीएस में, फटाक से पूछा, बोला भाई आप कहाँ से ये आपने ये लगाया है क्लास, अगर उनको बताओ, उन्होंने क्लास लगा जहाँ जिनका नाम उन्होंने बताया उस क्लास में पहुँच गए। पहुँचने के बाद में वो जनरल क्लास है वो अविनाश धर्माधिकारी सर जी, तो बहुत महान हस्ती है, और जब वो बोलते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। मैंने उनकी क्लास लगाई, उनकी क्लास लगाने के बाद मैं तो पागल हो गया। मैं बोला मैं तो जॉब वॉब छोड़ के अभी बस इधर ही आ रहा हूँ, तैयारी होगी, तैयारी जॉब छोड़ के 15 दिन के अंदर अंदर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया क्लास के। अच्छा, 2013 में अटेंड दिया, एकदम सीरियसली अटेंड दिया, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं। फिर 2014 में मैं बोला यार अब देना तो पड़ेगा, फिर वापस एक बार मन में तो आया कि वापस जॉब करने चले जाएंगे, बट फिर एक मेरे रिश्तेदारों में से ही है, बोले अरविंद क्यों जाना है आपको वापस, बोला यार पैसे नहीं आ रहे। सडनली 8 लाख की जो इनकम आती थी उसमें भी कंपनी बोली आप छोड़ो मत, हम आपको 25% इंक्रीमेंट देते हैं, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। बिल्कुल, मैं बोला यार 10 लाख का पैकेज कहाँ छोड़ के जाए, वो भी 2012 में और प्रेशर के तौर पर। बट मैं बोला, तो उधर में मेरी बात हुई तो वो बोले कि देखो एक बात सच बताता हूँ, तुम इधर क्यों आए थे, ठीक है, एक सर्विस मोटिव है आपका, वो आपने सोचा था वो याद रखिएगा, और दूसरी बात मानो ना मानो कहीं ना कहीं इसमें फेम आपको बहुत तगड़ा मिलता है, ठीक है, तो मैं इसलिए भी था सिविल सर्विसेज, अगर आप हो जाते तो आपका पावर होता है, तो वो सब चीज़ें हैं। और बोले देखो पैसा तुमको कमाना है ना, अर्जुन 5 साल में आप बोरी भर के पैसा कमा लोगे, सीधा उन्होंने ऐसे ही बोला, 5 साल में आप बोरी भर के पैसा कमा लोगे तो सिविल सर्विसेज नहीं, सिविल सर्विसेज के बाहर बाहर आप जो छोड़ने का सोच रहे हो उसमें आप कमा लो। मैंने बोला कि मैं वापस जॉब ज्वाइन करूँ, बोले यार पैसा तुम अगर कमाने गए तो, लेकिन जो इज्जत है और जिस तरीके के नाम है जो आप कमाओगे वो आप कभी नहीं कमा पाओगे, और जो आपको सेवा का अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो सबसे बेस्ट है। यस, वो बात कहीं ना कहीं मुझे लग गई, और फिर उसके बाद में मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने आप को कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो मतलब आप कहना चाहते हैं सर कि यूपीएससी की पहली क्लास में आपको मानचित्र का इंग्लिश वर्ड ऐसे ज्ञान नहीं था? बिल्कुल, यानी इतने बेसिक से आपने इसकी शुरुआत करी। देखो बेसिक से शुरू करोगे तो ही आगे जा करके मेंस और दे पाओगे। मेरे उसी कक्षा में ऐसे भी लोग थे जिनको पता था, लेकिन वो क्यूरियोसिटी नहीं थी, तो फिर पहली क्लास में हाथ उठाना भी अपने आप में बहुत वो होता है। तो कितने सालों तक आपने अटेम्प्ट दिया या कितनी बार दिया, सफल हुए? सो इन टोटल जो है मैंने 6 सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट किए और 1 मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का अटेम्प्ट किया। तो मैं हमेशा मैंने पूरे झंडे गाड़े भी हैं, जैसे कहीं इंटरव्यू दिए हैं, और कभी मैंने पॉलिटिकल साइंस में 296 आउट ऑफ 500, प्रीलिम्स की परीक्षा में 143 आउट ऑफ 200, जो कि जिसके लिए लोगों को 100 मार्क्स भी लेकर के आना मुश्किल हो जाता है। तो 2019 जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था फॉरेस्ट के लिए था, उसमें मैंने 143.34 लाया था। तो कब ऐसे, मतलब आपने इतने सारे अटेम्प्ट दिए, इतना पैशन, फिर भी उस तरीके से सफलता आपको नहीं मिलना, कैसे डील किया आपने, और क्या लगता है जैसे अभी के इस सिचुएशन में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स 1-2 अटेम्प्ट के बाद इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो करियर स्विच की करने की सोच रहे हैं, तो कैसे खुद को मजबूत किया? और एक कहते हैं ना कि जब आप फेल हो रहे हैं तो वो भी डर, फिर नया शुरू करने का वो भी डर, तो कैसे डील किया आपने? देखिए इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ लो कि ये डर सबके लिए सेम, सबको इसी चीज़ का डर है। जैसे एस्पिरेंट्स आते हैं बोलते मैं भूल रहा हूँ, नहीं तो वाले हैं, अगर नहीं बोलते थे तो तुमको तुम्हारा ब्रेकअप भी याद आता रहेगा दिन भर,
वैसे थोड़ी चलेगा ना कि और कोई अगर आपके जीवन में दुखद घटना अगर हुई है तो वो हमेशा याद रह जाएगी आपको. सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको याद है अपना ब्रेकअप कुछ ऐसी लव लाइफ जो आप शेयर करना चाहें? अरे भाई रहने दो कुछ. अरे नहीं, इंजीनियरिंग और ये वो बहुत सी सीक्रेट्स होंगे कुछ. अभी क्या है कि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. आप समझिए कि यूथ आजकल के इन सब चीज़ों में ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. पढ़ाई तो अलग सिलेबस है, ये सिलेबस भी आप जैसे एडुकेटर्स को आके समझाना पड़ेगा. देखिए क्या है कि हर उम्र का एक कोई ना कोई आपका प्रेफरेंस होता है, राइट, प्रायोरिटी होती है. एक उम्र में थी ये प्रायोरिटी कि भाई हमारा भी रिलेशनशिप हो, हमें भी कोई लड़की पसंद है. खुल के बता नहीं रहे सर. अरे सर ये तो आप यूपीएससी के सिलेबस की तरह बात कर रहे हैं कि पता नहीं चलता किधर से सवाल आने हैं, किधर से जवाब देने हैं. थे मैं कॉलेज डेज में दो रिलेशनशिप्स में था अलग अलग. और जैसे रिसर्च से भी पता चला कि आप शुरू से 10 तक टॉपर रहे हैं, फिर ये सब चीजें हुई. और जिस तरह से आप अपनी जर्नी को समराइज कर रहे हैं कि मेडिकल की तैयारी है एंड देन इंजीनियरिंग, तो ये पोटेंशियल वाले बच्चों में ही ऐसे होती है कि हाँ इंजीनियरिंग कर लिया, अच्छा कॉलेज मिल गया. इसमें एक जो बहुत अच्छा जो फॉर्मूला है वो देखिए, यूपीएससी में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे फेल ही होते हैं. उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो दसवीं में टॉप किया था, उसने बारहवीं में टॉप किया, ये आईआईटी का है, आईएम का है, वो रीजन नहीं होता. रीजन है परसिवरेंस का, कि आप जो है वो कितने एकनिष्ठ हो अपने उद्देश्य को लेकर. होता क्या है कि अब तक जो भी आपने पढ़ाई की है, दसवीं का टॉपर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपके सामने किताब थी, उस किताब को आपने पढ़ा, उसको जाके छाप के आया. बारहवीं में भी सेम था, इंजीनियरिंग में भी सेम किया. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है, 6 क्या है, हमको बताओ, इसके डिफरेंसेस बताओ, लिखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वही लिखना है. अब यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछती है, और यूपीएससी में एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करके उसके आंसर लिखने के लिए आप लोगों को इतनी वेरिड पढ़ाई करनी पड़ती है. और वेरिड टाइम तक आपको ये जो बात कहते हैं ना 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो सच बात है, झूठ बात नहीं है. अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कैसे होगा? वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे जो है वो सच में आप पढ़ते हो, वो इतना आपको 2-2 साल तक झेलना है. वो झेलने में ना आदमी जो है वो थोड़े दो साल में थोड़े दिन बीमार पड़ गए तो गायब हो जाएगा, या और कुछ हो गया फैमिली में तो गायब हो जाएगा. वो परसिवरेंस टिका नहीं पाते. जिसने दो चीज़ें सीखी, एक है परसिवरेंस और एक है चीज़ों को बैलेंस करना, वो यूपीएससी आराम से क्लियर करेगा. संभव ये दो चीज़ें भाई बहुत बड़ी लर्निंग है, चीज़ों को किस तरीके से लेना है और कैसे डील करना है. अभी क्या है सर कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर लर्नर के सवाल आए हुए हैं, वो मैं ऐसे फटाफट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सवाल थे ये मेरे अपने लिए था. ये जो सवाल है जो हमारे लर्नर्स के लिए है कि भाई पॉलिटी के इतने बढ़िया टीचर है अरविंद सर, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना. तो हमारे कुछ सवाल है जो वायल का टीम ने लिखे हुए, वो मैं चाहता हूँ कि फटाफट पूछते हैं आपसे, और इसी में आपके पसीने निकलने वाले हैं सर. सर पसीने तो आपके निकल गए. मेरा क्या है, अब सवाल का जवाब आपको दे रहा है सर. चलिए ठीक है, तो पहला सवाल किसी ने पूछा है कि क्या आपने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, क्योंकि आप पॉलिटी के टीचर हैं. वैसे अब मैं सिंस एक एजुकेटर हूँ तो ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट यस लिया है मैंने. और मेरे ससुर जी खुद बीजेपी के थाने डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं. नेक्स्ट पीएम क्या लग रहा है, कौन नेक्स्ट पीएम, हम ही बनेंगे यार. अरे वाह. जो दूसरा सवाल है वो है कि वाह, ये अनअकैडमी के बारे में है अगेन, तो अनअकैडमी आपने कब ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया? और ये सारे सवाल इन शॉर्ट में है सर, उसके नंबर वहाँ पे अंकित हो रहे हैं. अच्छा, बेसिकली पहले अनअकैडमी टीम ने अप्रोच किया था. और मैंने जब सिखाना शुरू किया था 2017 से, तो मैं था, लेकिन 2019 में थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो गया था सिखाने में. बट समहाउ मुझे उस समय में लग रहा था कि मैं एक कंप्यूटर के सामने बैठ करके बात नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था. जबकि टीम बता रही थी कि नहीं सर, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, बहुत लर्नर्स आते हैं, आप आइए. बट वो तो मेरी ना समझ थी, मैं एक कुएं का मेंढक की तरह बस ऑफलाइन ही इंस्टीट्यूट पर फोकस करते. पहले आप पढ़ाते थे? हाँ, मैं बिल्कुल 2017 से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था. जब 2017 की प्रीलिम्स मेरी नहीं हुई थी तो मैंने सिखाना शुरू कर लिया था. तो उस समय भी यूपीएससी की तैयारी कराते थे या फिर कुछ? यूपीएससी, यूपीएससी पॉलिटी ही पढ़ाते थे आप? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ये सब्जेक्ट्स मैंने, और इसी के साथ में पॉलिटी भी आता था, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैं सिखाता था. तो टीम ने अप्रोच किया था बट नहीं था. बट फिर टीम को बराबर पता था कि मेरे मारवाड़ी पने को थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा. ये मारवाड़ी पने बहुत ज़्यादा खाने में भी है, बिजनेस में भी है इनका. अब आता ये है कि उन्होंने जो है मुझे बोला कि
हम आपके लिए टिकट भेज रहे हैं, एक बार उस बैंगलोर आके वापस चले जाइए, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ में कोई टाई अप कीजिए नहीं कीजिए, आप आइए। तो मैं बोला ठीक है यार, इसमें कोई गलत बात नहीं है, टिकट तो बुक हो ही जाएगा, आइए आइए। मैं बोला बात करके आते हैं, देखते हैं सब अगर सेट होता है तो। आया तो मैं बोला यार ये तो अलग ही दुनिया है और ज़बरदस्त दुनिया है, इतने सारे लर्नर्स एक साथ सीख रहे हैं, इस तरीके से प्लेटफॉर्म बना हुआ है। बहुत बार ऑफलाइन में ये होता है कि भाई पीछे वाले को दिख भी नहीं रहा होता कि क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है, वो एक तरह का ऑनलाइन तरह ही होता है। पर सच में जो अनअकैडमी का एक घोष वाक्य है कि हम लोग एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, उस तरफ में काफी काम भी चल रहा था। इन्होंने बताया कि आपके सिर्फ पेड लेक्चर्स ही नहीं होते, कुछ फ्री लेक्चर्स होते हैं, वो फ्री लेक्चर्स के थ्रू बच्चे भी जुड़ते हैं और उनको भी फ्री में मिलता है जो पे नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी फिलोसॉफी बहुत अच्छी लगी एंड थैंकफुली मैं बराबर मार्च 2020 में अनअकैडमी पर ज्वाइन होता हूँ। और आपको तो पता ही है लॉकडाउन मार्च 2020 मतलब, और फिर वहां से जर्नी फिर अनअकैडमी। कितने बढ़िया, मतलब आप जैसे लॉकडाउन में जहाँ सबने अपने जॉब मिस किए छोड़ दिए, लीव मिल गया, कंपनियां बंद हो गई, वहां आपको एक ऐसा टर्न आउट मिलता है जो इतना मोटिवेशन देता है। सही है, सही है। और मैं भी बताता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ कि पहले मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया। अनअकैडमी ने जो रिवोल्यूशन लाया था, मैं हमेशा चाहता था कि उनके साथ में पहले से ही जुड़ जाऊं। और अब मैं आज मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं, और ये मैं बात दिल से बोलता हूं, आज बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन चैनल्स भी आ रहे हैं, लेकिन जब मुझे अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन के लिए पूछता है ना, तो मुझे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता, उनको मिस सेलिंग नहीं करनी पड़ती कि यार मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एकदम अंदर से, दिल के अंदर से मैं बोलता हूँ कि अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस कंट्री। तो ये सर नेक्स्ट सवाल ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन पर बनी कोई ऐसी फिल्म है जो आपको काफी पसंदीदा हो? इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, यू हां पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स पर तो देखिए बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे तांडव है वो हमने देखी है, वेब सीरीज, या फिर गुलाल है, और उसके बाद में मिर्जापुर है। अच्छा, तो उसमें आपने मिर्जापुर का स्पूफ देखा है, भारत सरकार का? यस यस बिल्कुल। नहीं ये अच्छा। तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे नहीं, आप देखिएगा, आप भी फेमस हैं, हम आपको कालीन भैया का रोल किए, अपना प्रमोशन खुद करना चाहिए, पंकज त्रिपाठी से उसकी तारीफ की है। यस यस यस। तो हम भी जो ले रहे हैं आपका एग्जाम, ऐसे ऐसे नहीं है, मतलब काफी बहुत दूर से आए हैं मेहनत से। हाँ सर, फिर आप मिर्जापुर आप कह रहे हैं, तो ये सब सीरीज है जो थोड़ा कोई ऐसा डायलॉग मतलब अभी जो आपको एकदम से यस, उसका मिर्जापुर का एक डायलॉग जो मेरे केस में आता है, हाँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कभी मेरे स्कूल डेज में हाँ। एक चीज सोच के रखी थी कि मुझे क्या नहीं बनना है, मैं क्या बनूंगा ये मुझे नहीं पता था। और ये जानना तो सर खत्म, वहीं से शुरू होता है करियर। मैं फिक्स कर दिया था मैं क्या, क्या नहीं बनूंगा, मैंने डिसाइड किया था मैं टीचर छोड़ करके जो बनना है वो बनूंगा। क्या बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप फ्री टाइम में, जैसे पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, एक वक्त आता है जब खुद को अकेला छोड़ना होता है, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं थोड़ा घुमक्कड़ हूँ, हाँ, और भारत के मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट मेरे हो चुके हैं। अच्छा, कंट्रीज में भी 10 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। और कोई एक पसंदीदा जहाँ आपको लगता है जाना है, यहीं फिक्स होना है, ऐसा कुछ? मैं सबको एक बात जरूर बोलूंगा कि एक बार आपने फॉरेन में जरूर जाना चाहिए, और अगर एक न्यूयॉर्क जैसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी अगर आप देख पाओ, आपको लिटरली जो एलियन वर्ल्ड होता है ना वैसे हैं, जैसे एलियन वर्ल्ड में अलग अलग प्लैनेट से लोग आते हैं। इनके टिकट EMI पे मिलते होंगे क्या? नहीं मतलब क्यों जाने के लिए हो जाएगा, आपका भी बंदोबस्त हो जाएगा। थैंक यू। तो न्यूयॉर्क एक बहुत अच्छी सिटी है, वहाँ जरूर जाना चाहिए, मुझे भी बहुत पसंद है वो सिटी। और इसके अलावा मैं वेब सीरीज देखना पसंद करता हूँ। गुड गुड गुड। और मेरी एक बहुत ही क्यूट सी बेबी है काशी, तो उनका नाम भी हमने बहुत ही अद्भुत रखा हुआ काशी, बहुत क्यूट है, तो दिन भर मजे कराते रहती है, अलग अलग बातें कराते रहती है, तो ये सब फ्री टाइम में चलता है। बढ़िया अद्भुत। अब ये कुछ सवाल हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड हैं। अगला सवाल ये पूछते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे पसंद है, और वो एक चीज जो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है चेंज करने की जरूरत है इसको? ऑब्वियसली इसमें बात फंडामेंटल राइट की ही आएगी, तो हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशनड है, जो आपको बेसिक हक मिलते हैं सभी लोगों को। तो कोई इक्वालिटी का नाम लेगा, कोई फ्रीडम का नाम लेगा, ये सब राइट्स हैं इम्पोर्टेंट, बट एक्चुअली एक जो राइट है
जिसको हम लोग थोड़ा सा जितना तवज्जो देना चाहिए उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, वो मुझे राइट बहुत पसंद है. वो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 17 में दिया हुआ है. ये एक राइट ने ऐसा काम किया जो सदियों से हमारे बड़े बड़े संत महात्मा और बाकी लोग जो वो नहीं कर पाए. तो बहुत कोशिश चली है कि हम लोग कास्ट व्यवस्था को खत्म करें, अनटचेबिलिटी को खत्म करें. इसके लिए बहुत सारे भगवान आकर के चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें भी लोगों ने नहीं सुनी, उसको खत्म नहीं कर पाए. बट एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आते हैं और उन्होंने जो है वो अनटचेबिलिटी को खत्म करवाने की तरफ जिस तरीके से काम किया है और वो जो खत्म किया है, कहीं ना कहीं इंडिया को ये एक ही चीज है जो हमेशा रोकती थी, अनटचेबिलिटी. अभी तक हम लोग उस रास्ते पर पूरी तरीके से पहुंचे नहीं, उस मंजिल पर अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है. अभी भी कहीं ना कहीं रास्ता बाकी है. लेकिन ये एक आर्टिकल है जो मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, जिसने एक्चुअली जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो पिछले 2000 सालों से ब्राह्मण वर्ग से और बाकी जो उच्च वर्णीय जो लोग थे उनका जो शोषण सहन कर रहे थे, अब उसको बदल दिया. और ये बदलाव की आवश्यकता थी, इसीलिए कभी हम लोग यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर लड़ नहीं पाए. बट मे बी अब ये अगर हमारा सब खत्म हो जाए, कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए, मे बी हम लोग एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह यूनाइटेड होके और भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाएंगे. बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर. तो एक सवाल जो पूरे सेशन में मैंने बहुत मिस किया कि ये बहुत ज़रूरी हो सकता है सारे लर्नर्स के लिए, आपने इतने अटेम्प्ट दिए, अटेम्प्ट ख़त्म हो गए थे आपके, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई करी, बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा मोटिवेशन. आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फेलियर से स्ट्रॉन्ग अपने बिलीफ को किया है और सक्सेस पाया. आप हमें वो रास्ता दिखाइए, वो लाइन दिखाइए जो आज के लर्नर्स फेल हो जाते हैं, तो उनका रीज़न क्या होता होगा, ऐसे क्या चीज़ें बेहतर करें कि फेलियर होना ना पड़े, फेल ना हो जिंदगी में. देखिए, ऑब्वियस ही बात है कि फाइनल सक्सेस भले ही नहीं मिला हो, लेकिन उसमें मैंने कुछ गलतियां की थी. वो गलतियां मैं आने वाले सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बिल्कुल ना दोहराएं. सक्सेस से तो आप इंस्पायर होते ही हैं, लेकिन जहाँ पर जो फेल हुए हैं वो फेलियर के रीजंस भी अगर आपको समझ में आ जाए तो आप लोग सक्सेस के तरफ में बढ़ पाओगे. पहली बात तो ये एग्ज़ाम काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि आप फेल में भी हो भी जाओ. तो कैसे इसको अवॉइड करें, तो उसके लिए पहला रीज़न मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को मिरर दिखाते चलो. आप किसी के कहने पर, किसी के दिखावे पर अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप आउट हो जाओ, अभी आउट हो जाओ, जा करके अपना करियर बनाओ. दिल टूटने पर ये सही बातें हैं, दिल टूटने पर कि भाई उसने मेरा दिल तोड़ दिया तो अब मैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी. वैसे सही होता है, बिल्कुल वो सिर्फ फिल्मों में सच में सूटेबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे आपको मिरर दिखाना है, क्या मैंने पढ़ा है, क्या मैंने मेंस की आंसर राइटिंग की है, क्या जब मैं प्रीलिम्स के लिए जा रहा हूँ क्या मैंने मॉक्स लगाए हैं, क्या 35 मॉक्स मिनिमम लगाने होते हैं यार. लोग बार्गेन करते हैं, सर मैं 20 लगा लूँ, मैं 25 लगा लूँ. अरे भाई, आप कोई भिंडी खरीदने आए हो क्या कि भाई 20 लगा लूँ 25 खरीदो. ठीक ठीक, 35 लगाने तो लगाने ही है. हाँ. आपको मिनिमम 8 जो है वो मेंस के मॉक्स लगाने हैं, मतलब लगाने ही है. 8 पेपर्स आपके लिख के होने चाहिए. नहीं लिखते हैं लोग, आंसर राइटिंग डरते हैं. सर हमको डर लगता है आंसर राइटिंग से. अरे भाई, आंसर राइटिंग से डरोगे तो कैसे होगा. आप बोलते हो मुझे स्विमिंग सीखनी, लेकिन मुझे स्विमिंग पूल में नहीं उतरना है. स्विमिंग पूल में उतरोगे तभी तो आंसर राइटिंग सीखोगे. आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग करने के बाद ही आपको समझ में आएगी. गलतियां करो, सीखो. करते नहीं है लोग, ड्रीमी वर्ल्ड में होते हैं. फिर बीच में कहीं पर प्रिपरेशन कभी खराब हो जाए, हेल्थ की वजह से हो सकता है और कोई रीजन से हो जाए, तो सडनली डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब क्या हो गया मेरा. अरे भी वापस खड़े हो जाओ वहीं से, उधर से ही शुरू करो. वैसे भी एक साल की जो पूरी मेहनत है वो काउंट होती है, ना कि सिर्फ एक 15 दिन की मेहनत. या आपने लास्ट 10 दिन में क्या किया, 15 दिन में क्या, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस एग्जाम को अगर आपको देना है, इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है, बिल्कुल अपने आप से झूठ मत बोलो. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, नहीं टेस्ट दिया तो नहीं दिया है. ये ऑनेस्टी जिस दिन आप लोग लेकर के आओगे, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर में मिसिंग थी. मैंने आपको बताया, मेरे IRS फ्रेंड श्रीधर धुमाल हमेशा कहते थोड़ा और सिंसियर हो जाए यार. मे बी मैं 2 घंटे जो एक्स्ट्रा टाइम पास कर रहा था वो नहीं करने चाहिए थे मैंने. बिल्कुल. और वो 2 घंटे की तो बात होती है. इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपको करना ही पड़ेगा. और एक सत्य UPSC का जान लो, वो है आंसर राइटिंग. जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जीने के लिए ज़रूरी है, आंसर राइटिंग आपके UPSC में सक्सेस के लिए ज़रूरी है. आप आंसर राइटिंग के बिना आगे बढ़ ही नहीं पाओगे.
और अगेन लोग पूछते हैं आंसर राइटिंग में बहुत खराब लिखता हूँ कैसे सुधारूं, सुधरेगा तभी ही जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। गलतियाँ करो यार, मैंने जब पहली बार लिखा था ऐसे लिखा था सर और मैंने सबमिट किया था, 7 मार्क्स दिए थे मुझे, 7 मार्क्स आउट ऑफ 125। हर एक के किस्से होते हैं, बट आप सीखो ना, दूसरों का देखो, टॉपर्स ने क्या लिखा है उनका देखो और किसी का देखो, सीखना ही तो आपका काम है। आंसर राइटिंग स्किल है, किसी के पास में इनबॉर्न नहीं होती, वो डेवलप करनी पड़ती है और वो करनी ही पड़ेगी। ये मेरा सभी के लिए एक मैसेज है, अपने फेलियर को अवॉइड करना है तो इन पर जरूर काम करें। सर एक बड़ी जर्नी रही है आपकी, बड़ा अनुभव रहा है, कोई ऐसा कोट, कोई ऐसी पंक्तियां जो आपके दिमाग में हमेशा रहती हो, जो आपको मोटिवेट करती हो? मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में भी ये कविता सुनाता हूँ और ये मेरे लाइफ का एक घोष वाक्य है, ध्येय भी बन चुका है। तो आलोकित शरद त्रिपाठी जी की कविता है, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक, लीक माने लकीर, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह मेरा ही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, आधी से ज्यादा जनता तो सोच में ही पड़ी हुई है, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। सर मैंने सुना है कि आपके पास बहुत डिग्री है, ऐसा उसके बाद में प्रिपरेशन के दौरान में मैंने एमए इन हिस्ट्री और एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया था। फिर मैंने सोचा पॉलिटिकल साइंस हो गया है तो यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम देते हैं तो वो भी ऐसे ही क्लियर हो गई, यूपीएससी का प्रिपरेशन बेसिकली आपको इतना स्ट्रांग बनाई देती है। बिल्कुल। फिर मैंने साइड में ही लॉ कर लिया 3 साल का और फिर मैंने बोला अब एक ही चीज़ बची वो है MBA, तो क्यों ना MBA कर लें, तो मैंने MBA इन फाइनेंस भी ख़त्म कर लिया और अभी रिसेंटली मैंने फाइनेंस के लिए जो PhD की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है वो भी क्लियर की है, देखते हैं अभी उसको भी PhD कर। तो कुछ हमारे लिए छोड़ेंगे और कुछ करना अभी क्या, अभी और आगे क्या है? PhD बची है और सोचता हूँ कि कहीं एक MA इन साइकोलॉजी और MA इन फिलोसॉफी भी हो ही जाए। वाह नहीं करना है भाई मेरे को सर का इंटरव्यू, ये कौन एग्जाम होने का एग्जाम, मैं नहीं ले सकता सर। देखिए आप लोग जो है कमेंट से बताइए सर का रिजल्ट, क्योंकि मेरी हैसियत भाई सच में नहीं है सर, माफ कीजिएगा दिल से, ये नहीं ले सकते सर भाई। अब चलते हैं सर, थैंक यू सो मच भाई, कहाँ फंसा दिया रिजल्ट कौन बताएगा भाई, ये तो हमारे उज्जवल बाबू तो चले गए वायरल कलाकार के। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि मेरा रिजल्ट क्या है, क्या मैं इस आपके एग्जामिनेशन में पास हुआ हूँ, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए मेरा रिजल्ट क्या है। थैंक यू सो मच।